Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। देश में आबादी और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मोदी सरकार और उनके कई मंत्री बयान दे चुके हैं। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे को लेकर तंज कसा है और नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया था कि लालू राबड़ी को इतना बच्चा पैदा करना चाहिए क्या, कोई इतना बच्चा पैदा करता है क्या। ये नीतीश कुमार का बयान था चुनाव प्रचार के दौरान। जब भी नीतीश कुमार जाते हैं तो लालू के बच्चे पर सवाल जरूर उठाते हैं। लेकिन अब साउथ के दो दो मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और फिर तमिलनाडु के जो दूसरे सीएम है, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने भी ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, राज्य में विकास दर बढ़नी चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए और परिवारों को कम से कम 2 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी बताया कि राज्य सरकार एक कानून लाने की योजना बना रही है जिसके तहत केवल 2 या उससे अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। दक्षिण भारत में युवाओं की घटती आबादी पर चंद्रबाबू नायडू ने चिंता जाहिर की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उनके चिंता जाहिर करने के पीछे लॉजिक क्या है। इस बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16 बच्चे पैदा करें। दक्षिण भारत में एक साथ दो दो मुख्यमंत्रियों के इस तरह के बयान के पीछे की वजह को समझना भी जरूरी है और वो वजह है राज्यों की प्रजनन दर। यह कई रिपोर्ट में भारत के औसत की तुलना में काफी कम दर्ज की गई है। चंद्रबाबू नायडू की चिंताएं क्यों सभी के लिए अधिक है, अगर यही हाल रहा तो भारत कब तक बुजुर्ग हो जाएगा, बुजुर्ग देश बन जाएगा, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत खासकर आंध्र प्रदेश में बढ़ते बुजुर्ग आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चीन, जापान और कई यूरोपीय देशों में भी बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में गिरती हुई फर्टिलिटी रेट का भी जिक्र कर डाला। देश में फर्टिलिटी रेट 2.1% है जबकि आंध्र प्रदेश में 1.6%। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही जारी रहा और यही हाल रहा तो 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें अभी से ही इस पर काम करना होगा। मगर चंद्रबाबू नायडू की चिंता वाजिब है क्या, क्योंकि केंद्र सरकार यूथ इन इंडिया 2022 नाम की रिपोर्ट बताती है और पेश की थी जिसमें भारत में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 2036 तक भारत के आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी घटकर 22.7% पर आ जाएगी, यानी कि तब हर 100 में से 77 लोग उम्र दराज हो जाएंगे, मतलब बुजुर्ग हो जाएंगे। पिछले साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र में इंडिया एजिंग रिपोर्ट में 2023 जो जारी की गई थी, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। बुजुर्ग यानी जिनका उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। इसका मतलब यह हुआ कि 2050 तक भारत में हर 100 में से 21 लोग बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह से 15 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। अनुमान तो यह भी लगाया गया कि आने वाले सालों में भारत में 14 साल तक के बच्चों की आबादी से ज्यादा तो बुजुर्ग ही होंगे, साथ ही 15 साल से 59 साल की उम्र के लोगों की संख्या भी घट जाएगी। केवल तमिलनाडु और केरल की अगर बात करें तो ये ऐसे राज्य हैं जहां आने वाले सालों में बुजुर्ग तेजी से बढ़ेंगे। 2036 तक केरल की आबादी बुजुर्गों के हिस्सेदारी 22.8 और तमिलनाडु में 20.8% होगी। आंध्र प्रदेश में 19% आबादी बुजुर्गों की होगी जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों के हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कम होगी, वो इसलिए क्योंकि यहां फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। अब ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के बयान पर सरकार क्या जवाब देगी, ये भी सोचने की बात है। जो अक्सर कहा करते हैं कि भारत में जनसंख्या विस्फोट
होने वाला है और भारत उस ओर ही बढ़ रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।